Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS. And this is lecture number 4 of our industries chapter. अब देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया. सबसे पहले तो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स डिस्कस किए और उसके क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया. ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसका जो आधा डिस्कशन है दैट यू कैन सी इन बीओपी चैप्टर. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले मिल जाएगा आपको. ठीक है, बिकॉज दोनों कनेक्टेड टॉपिक थे तो मैंने आधा करके पढ़ाया. फाइन, अब दूसरी चीज जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, दो अगर आप देखेंगे हमारे मेंस के सिलेबस में लिखा है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट, बट फिर भी मैंने पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया. जितनी भी इंपॉर्टेंट पिछली पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वो मैंने एक्सप्लेन की. इसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी और इसके क्या इंपैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में. फाइन, अब देखो अब लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब शुगर इंडस्ट्री, तो ये इट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. फाइन, ये जो पार्ट है सारी की सारी इंडस्ट्रीज, दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. मैं फ्यूचर में आपके लिए ज्योग्राफी के लेक्चर भी लेके आऊंगा, उसके ऊपर भी बात चल रही है, तो आई होप वो जल्द से जल्द आपके सामने आएंगे. तो ज्योग्राफी की सीरीज में वो सारी इंडस्ट्रीज कवर होगी. ठीक है, मैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज कवर करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो भी इंडस्ट्रियल इशूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इशूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, इसके बाद वाई कॉर्पोरेट्स फील्ड, मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी पीएसयूज, वाई पीएसयूज फील्ड इन इंडिया, वाई दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस जॉब्स, और फिर इसको कैसे रिफॉर्म्स किए गए वो डिस्कस करेंगे. और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स अगर मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर एक और लेक्चर होगा. तो इन शॉर्ट मैं दो लेक्चर, आई विल टेक लेक्चर नंबर 4 दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल ऑफ द पीएसयूज पार्ट कि भैया क्यों हमारे पीएसयूज फेल कर गई. इसके बाद अगले लेक्चर में जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज है जिसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन. ठीक है, इन मेंस फाइन, और बाकी जो भी इंडस्ट्रीज का पार्ट है वो ज्योग्राफी में कवर होगा. इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू टेक दैट पार्ट आल्सो. फाइन, इंडस्ट्रीज के बाद वी विल स्टार्ट विद द सोशल सेक्टर. सोशल सेक्टर में 4 से 5 लेक्चर होंगे, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूंगा बिकॉज नथिंग मच टू डिस्कस. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर इटसेल्फ, मतलब अभी तक 11 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट होगा. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा है पिछले लेक्चर में. ठीक है, काफी मजे से हमने इसको डिस्कस किया है. मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड. ये जॉबलेस ग्रोथ अगले लेक्चर का पार्ट है. ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है कि भाई हमारे यहाँ पर, अरे अभी क्या है ये लैपटॉप ना बड़ा मुंह बनने लगा है, इसीलिए ये देख रहे हो उससे हो रहा है. हाँ, ये अब से अब हमें ये डिस्कस करना है कि भाई क्यों हमारे यहाँ पीएसयूज फेल कर गई. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया था, ऐसे आपने देखा मैंने आपको जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पढ़ाया था, जिसे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई हम ग्रोथ एंड डेवलप, मतलब ग्रोथ को अचीव करेंगे. जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब्स बढ़ेंगी और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, ये सब भी बढ़ेगा. लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है. क्यों नहीं होता है वो हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि भैया जो मिनिस्ट्रीज थी ना लगातार पीएसयूज की वर्किंग में इंटरफेरेंस करती थी. किस तरह की इंटरफेरेंस, कि भाई कुछ भी हो उनसे सवाल पूछे जाते थे कि भैया आप इस बार इतना टारगेट अचीव नहीं किया, इस बार आप ये कर रहे हो, इस बार वो कर रहे हो. ऊपर से जो उनके एमडी जो है, ठीक है, जो चेयरमैन है, इन सबकी जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करती थी. जो भी उनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट थे तो उनको वहां पर लगाया जाता था और वो उसके लायक नहीं होते थे. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन था और जो आप कह सकते हैं इफिशियंसी बाकी इंडस्ट्रीज में होती है वर्ल्ड की, वो सब मतलब इफिशियंसीज नहीं आ पा रही थी. ठीक है, तो पहला की हमने बताया कि ये लोग क्या कर रहे थे कि अपने अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को लगा रहे थे. तो इन शॉर्ट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ेगा. और जो ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है रूल्स एंड प्रोसीजर से काम करना. मतलब कि भाई पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी भले कोई मर जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई ने, तो भैया सामने वाला बंदा मर रहा बट फिर भी फॉर्म भरना जरूरी है. ठीक है, तो इस मेंटेलिटी से हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं. तो कंप्लीट रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, जिसकी वजह क्या होता है एक्चुअली में रेड टेपिज्म बढ़ता है. रेड टेपिज्म मतलब फाइल के ऊपर फाइल बनती जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज ये वाली फाइल अच्छा यहाँ से आई, अच्छा यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं, तो इन शॉर्ट फाइल के ऊपर फाइल बनती जाएगी. ठीक है, और अल्टीमेटली देर वॉज नो लीडरशिप आफ्टर नेहरू टू आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. मतलब नेहरू वॉज दैट यू कैन से भाई काफी एस्पिरेशनल बनते थे रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. उनके बाद से कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, कंप्लीट पॉलिटिक्स चालू हो जाती है इंडिया में, पावर एक्विजिशन, इमरजेंसी, तो इन सब में पूरा इंडस्ट्रीज का जो माहौल रहता है खराब हो जाता है. ठीक है, इसके साथ ही साथ देयर वाज नो कंपटीशन. ठीक है, आप सब जानते हैं कि भैया ये पूरी 17 की जो मेजर 17 इंडस्ट्रीज थी उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था. अब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, तो उनके साथ इनके पास इंसेंटिव ही नहीं है. मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पता कॉम्पिटिशन होता ना तो उसका एक अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम कोई सीरीज लेते हैं, ठीक है, वो भले हमारे पेड ग्रुप के लिए हो, जैसे हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पीजीपी कहते हैं जिसे, उसके लिए हो या फिर यूट्यूब के लिए हो, जब हमें ऊपर से मतलब ये ऑर्डर मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई
आपको जो टेस्ट जो सीरीज कंप्लीट करनी है ये आपको शेयरिंग बेसिस में मिलेगी, मतलब अगर आप जितना इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना आपको 60-40% जो भी है हमारा शेयर मिलेगा, ठीक है। तो हम उसमें अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर वही सीरीज सर बोलते हैं कि नहीं इस बार ऐसा नहीं रहेगा, इस बार आपका ये फिक्स सीरीज रहेगा, फिक्स पैकेज रहेगा, आपको 20,000 50,000 जो भी आपकी सीरीज का बनता है वो आपको दिया जाएगा, तो इसमें हम लोग कुछ खास मोटिवेटेड नहीं रहते, बस मैं रहता कि यार सीरीज तो कंप्लीट करना ही है, फिक्स पेमेंट आ जाएगी। तो ये जो शेयरिंग वाला सब्सक्रिप्शन है वो बड़ा अच्छा है, इसमें अच्छा एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये यहाँ पर के पास कंपटीशन था नहीं तो एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही थी, वो अपने मजे से चला रहे थे, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो कि हमारी इंडस्ट्रीज का एक मकसद ये भी था कि जो डिस्पैरिटीज है, ठीक है, जो डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, उनको खत्म करना था, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करना था। तो उन रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया कि उनको बोला कि आप लोग जाओ और बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज लगाओ, जहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं है। अब वहां पर भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई या कुछ पावर शॉर्ट हो गया तो आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, मतलब आपकी मशीन बैठ गई, फिर दोबारा उसको चालू करो और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो अल्टीमेटली बहुत पावर लॉस हो रहे थे यार वहां पर, तो जिस वजह से मतलब डेवलपमेंट नहीं आ पा रही थी। और ऊपर जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था तो लोगों को ज्यादा आप कह सकते हैं सैलरीज भी नहीं मिल रही थी, ठीक है, जिससे कि हमारे परचेसिंग पावर भी नहीं बढ़ रही थी। और ऊपर से आपने देखा है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, पीएसयूज है, उसमें शुरू शुरू में बहुत हैवी इंप्लॉयमेंट हुई, मतलब हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की अच्छी डिमांड हुआ करती थी, ठीक है, अच्छी डिमांड हुआ करती थी। तो उस डिमांड के चक्कर में वैसे पॉलिटिक्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल इस बार इलेक्शन ईयर है तो इस बार 5,000-5,000 पोस्ट आएंगी, 6,000 पोस्ट आएंगी, यही से चीजें रेलवे में हुआ करती थी, भैया अगर मान लो इस बार इलेक्शन आना तो मान लो रेलवे से इस बार अच्छी पोस्ट आने जाती है, फिक्स रहता था, ठीक है, ये सब लालू जी के टाइम पे सब हुआ करता था, फाइन। तो उससे क्या होता था कि इतने लोगों की जरूरत नहीं रहती थी, इतने लोगों की जरूरत नहीं रहती थी, तो उससे क्या होता था जब लोगों की जरूरत नहीं तो लोग अपने मतलब आराम से गप्पे मार के बैठे हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोगों की सुन ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट के ऊपर उनका सैलरी बर्डन बढ़ रहा है, इसके बाद पेंशन बर्डन, ऊपर से उनके कोई मर गया तो फिर उनको जॉब दो, तो ये सब गवर्नमेंट के लिए मतलब फ्रूटफुल नहीं था, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। इसके बाद गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के, तो इन्वेस्टमेंट भी कम आ रही थी। और सबसे बड़ा रीजन हमारा एवरग्रीन करप्शन है भाई, क्या किया जाए, ठीक है, क्या है, करप्शन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें इस पे इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी तरफ जो कदम उठाया था हमारे राजीव गांधी साहब ने उठाया था, जब उन्होंने 1986 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में हल्का फुल्का जिस्ट दिया था, ठीक है। इस पॉलिसीज के दौरान ही मतलब ये सबका कंस्ट्रक्शन हुआ था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मकसद ये था कि भैया जितनी भी पीएसयूज है, जो भी लॉस में चल रही है या बहुत टाइम से सिक चल रही है, बिल्कुल भी प्रॉफिट 5 से 7 साल में नहीं दिखाया है, उनको उठाया जाए और उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए भाई उन्हें हमें रिवाइव करना है कि उनको बंद करके गवर्नमेंट का हिस्सा खींचना है। तो ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था। लेकिन आप सब जानते हो राजीव गांधी की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली 1991 की जो एलपीजी रिफॉर्म पॉलिसी है वो सबसे कारगर सिद्ध होती है। इसमें आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि डी रिजर्वेशन किया जाएगा इंडस्ट्रीज का, ठीक है, डी रिजर्वेशन मतलब कि अब मुश्किल से दो इंडस्ट्री को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर हर जगह आ सकता है, ठीक है। साथ में डी लाइसेंसिंग किया गया, डी लाइसेंसिंग और डी रिजर्वेशन में डिफरेंस है, ठीक है। डी रिजर्वेशन का मतलब कि भैया इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, मतलब अगर कोई एग्जाम्पल है कोई भी सेक्टर था पहले रिजर्व था, फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर, उसमें प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है। लेकिन लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर इस सेक्टर में अलाउड है, लेकिन अभी इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल केमिकल फैक्ट्री हो गई, तंबाकू गुटखा ये सब हो गए, तो सबसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज इसके मतलब ये सब इतना बिकता है कि भाई लोग तो पैसे छापने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म में अच्छे अच्छे मेजर्स लिए गए थे इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन बनाई 1996 में। अगर आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे देर वॉज अ सेपरेट डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन जब हमारे दोबारा मनमोहन जी आते हैं तो दोबारा से मतलब कमीशन बना देते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। इनका मेन मकसद ये था डिस इन्वेस्टमेंट का कि भाई एक फिक्स टारगेट रखा जाए और अपनी जो शेयरिंग है, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको बता दूं, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है अपनी हिस्सेदारी कंपनियों से पीछे खींचती थी, ठीक है, हिस्सेदारी अपनी कंपनी से पीछे खींचेगी। अब देखो इसमें दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला तो ये कि भाई गवर्नमेंट अपने 51% स्टेक्स जो है कंपनी से बाहर निकाल दे, ठीक है, कंपनी से बाहर निकाल दे डायरेक्टली, मतलब किसी प्राइवेट ओनर को बेच दे। जब ये 51% स्टेक्स अपने प्राइवेट ओनर को बेचेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कंट्रोल है, मतलब इंडस्ट्री से शेयरिंग तो जाएगी, साथ ही साथ जो कंट्रोल भी है ना वो गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट हैंड्स में चला जाएगा। और वही दूसरी एक प्रकार की और होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 51% की शेयरिंग तो बेच रही है लेकिन वो अपनी ही किसी सरकारी कंपनी को बेच देगी। फॉर एग्जाम्पल बीपीसीएल की शेयरिंग है, मान लो बीपीसीएल है, उस पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 51% बेच देंगे, तो बीपीसीएल जो 51% है इट विल बी परचेज बाय ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑल इंडिया से खरीदेगी, और ऑल इंडिया किसकी है, फिर से दोबारा पब्लिक सेक्टर है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल बना रहा है इसमें। तो यहाँ पर भले मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन यहाँ पर शेयरिंग जो मतलब जो हिस्सेदारी थी, मतलब सत्ता थी, जो पावर थी, वो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसे रियल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता, रियल डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है।
ठीक है, इसलिए आप गवर्नमेंट के शुरू शुरू की पॉलिसी देखोगे डिसइन्वेस्टमेंट की, मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी जो 1992 में चालू हुई थी वो बहुत ही बेकार टाइप की पॉलिसी थी। इसमें गवर्नमेंट क्या किया करती थी कि अपने हिसाब से दैट मीन्स थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट करती थी और जो भी बजट में कमी आती थी पैसों की उसको लोन नहीं ले रही थी उससे उसको पूरा कर रही थी। लेकिन आप जानते हो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। उसका एडवांटेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एडवांटेज इसलिए नहीं होगा बिकॉज भाई आप पैसे निकाल रहे हो, खा रहे हो, बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जमीन है, ठीक है, अब आपकी कमाइयां ही हो रही है, आप हर साल थोड़ा 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 जमीन करके बेचते जा रहे हो और पैसे खाते जा रहे हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। यदि मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग माल गुजार हुआ करते थे, ठीक है, माल गुजार हुआ करते थे, तो हमारे दादाजी के पास जब प्रॉपर्टी आती है तो आई थिंक 75% का विलेज हमारे पास था। और दादाजी ने अपनी रोजगार चलाने के लिए, दो ही वॉज इन पुलिस, ठीक है, वो कॉन्स्टेबल थे, हेड कॉन्स्टेबल थे, तो उसमें उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पूरी जमीन बेच डाली और बाद में चलता है जोड़ा गया तो 18 लाख बचे। जब बंटवारा का टाइम आया तो 18 लाख रुपये बचे। तो दिस वॉज द कंडीशन, ठीक है, मतलब करोड़ों की जमीन। आज वही जमीन हमारे चाचा लोग ने नहीं बेची थी, वो वहीं पर सर्वाइव की, मतलब मेरे दादा के भाई लोग, इन शॉर्ट वो हमारे दादाजी होने चाहिए लेकिन हम लोग फिर भी चाचा जी बोलते हैं कि घर वाले सब चाचा जी बोलते हैं, बचपन से आदत पड़ गई, ठीक है। तो जो हमारे चाचा जी लोग हैं उन्होंने नहीं बेची, तो उनकी जमीन से रेलवे, अभी रेलवे लाइन गुजरी तो घर में सबको एक एक जॉब मिली रेलवे की तरफ से। सोचो, एक तो अच्छी जॉब भी मिल गई और साथ ही साथ आप कह सकते हो दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ कि सबकी अच्छी करोड़ की जमीन भी डेवलप हो गई, ठीक है। वहाँ पर मस्त किराया चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब हमें थोड़ी बहुत जलन हो जाती कि भाई हमारी वहाँ जमीन थी, अब देश जाने पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, चलता है सब, ठीक है। तो इस तरीके से शुरू शुरू की पॉलिसी थी। लेकिन इसके बाद जब अटल जी आते हैं तो वो उसको अलग से डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाते हैं और उसका डिसइन्वेस्टमेंट का फंड बनता है कि भैया ये जो जो भी है इसको प्रोडक्टिव एसेट में लगाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट में, सोशल सेक्टर में। तो ये सब हमारे अटल जी करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लाया गया था अपने मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या था कि ये जो मिनिस्ट्रीज है ना, मिनिस्ट्रीज और जो कंपनीज है उनके बीच में क्या किया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मतलब MOU साइन होगा और उसमें लिखा जाएगा कि मिनिस्ट्रीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बार इंडस्ट्रीज से, कि भैया इस बार 2% ग्रोथ चाहिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये सब कंप्यूट रहेगा। और फिर जो भी, मतलब अगर ये फुलफिल नहीं होता तब मतलब मिनिस्ट्रीज इंटरफियर करेंगे, अदरवाइज मतलब मिनिस्ट्रीज कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ परचेज प्रेफरेंस पॉलिसीज लाई गई थी। परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी मतलब अगर गवर्नमेंट को कुछ भी खरीदना हो तो बाहर की फॉरेन कंपनी से ना खरीदे, वो PSU से खरीदे, जिससे PSU की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चालू होगा, बिकॉज डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया उस टाइम पे इंडस्ट्रीज ने, मतलब सोशलिज्म के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे, और जब ये सारे मतलब 1990 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब में भर लिया था, ठीक है। जब उन लोगों को भर लिया था तो सिंपल सी बात है वो लोग इनफिशियंट लोग थे, तो उन लोगों को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाई, जिसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि अब जो वर्क फोर्स है, पेंशन का बर्डन है, ये सब थोड़ा बहुत कम, ठीक है। और अल्टीमेटली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारी कंप्लीट आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक थी महारत्न, दूसरी नवरत्न और तीसरी मिनी रत्न। और याद ना, मिनी रत्न के 2 स्टेटस है, एक है 500 करोड़ वाली और दूसरी है 300 करोड़ वाली, ठीक है। तो महारत्न कंपनी कौन सी होती है? देखो महारत्न कंपनी, ये आपको मतलब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, यूजली अगर आप देखेंगे तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आएगा कि भैया ONGC इज अ महारत्न कंपनी, तो आपको उसमें हाँ या ना में टिक करना है। लेकिन मेन है कि भैया वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कितना उनको छूट है। तो अगर महारत्न कंपनी की बात करो तो ये 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी, 5,000 करोड़ की, या फिर 15% ऑफ द नेटवर्थ। ये नेटवर्थ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है, मतलब इन माई पास्ट लेक्चर। तो 5,000 करोड़ या फिर 15% जो भी नेटवर्थ है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। देखो जो PSU है ना वो सब मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, तो उनको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो ना तो आपको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो भी महारत्न कंपनीज के अंदर आती है, फॉर एग्जाम्पल गेल हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, सेल, भेल, NTPC, ONGC, इंडिया ऑयल, मतलब इंडियन ऑयल, ये सब जो कंपनीज है ना, ये सब जो कंपनीज है, इन सबको, ये जब महारत्न कंपनीज है तो इन सबको अलाउड है कि भाई आप बिना मिनिस्ट्री के परमिशन के 15% ऑफ योर नेटवर्थ या फिर 5,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिना मिनिस्ट्री के परमिशन के। अब सेम नवरत्न आती है, ठीक है, नवरत्न का क्या काम है, मतलब नवरत्न को क्या एडवांटेज है, ये लोग 1,000 करोड़ या फिर 15% ऑफ देयर वर्थ ऑफ नेटवर्थ, ये मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट मिनिस्ट्रीज परमिशन। इस टाइम पे 17 नवरत्न है, देख लेना अगर इसका नंबर चेंज हुआ, बिकॉज आपका मेरा लेक्चर आएगा तो उसका नंबर चेंज हो चुका है। इसके बाद आती है मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्न कैटेगरी 2, इनके पास 500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये लोग 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसका जो कंडीशन है कि कौन सी कंपनी महारत्न बन सकती है, मिनी रत्न बन सकती है, वो सब पढ़ने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। वैसे तो मुझे ये भी नहीं पढ़ाना था, बस नाम लिख देना था, बट फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया, आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अलग से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए SEZ बनाया, ठीक है,
और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए NIMZ बना है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने माइक्रो यूनिट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, ठीक है, फॉर MSMEs, इसका गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंडअप इंडिया, मतलब लूज टू वीकर सेक्शन, आप सब जानते हैं, इसके तहत हर किसी को, मतलब हर बैंक ब्रांच को, हर बैंक ब्रांच को 1 करोड़ का लोन, या तो किसी SC ST मतलब जो भी वीकर सेक्शन है, या वुमेन को, मतलब, और 1 करोड़ का लोन वुमेन को देना पड़ता है, ठीक है। ये रूल है स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया स्कीम के, मतलब वीकर सेक्शन भी एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। और भी बहुत सारी अभी लास्ट 2 ईयर्स में स्कीम आई है, आत्मनिर्भर भारत में आई है, तो सब एक बार डिस्कस, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आई विल ट्राई की अलग से एक सेपरेट लेक्चर हो इसके ऊपर, मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगा उसके ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। तो हमें दो चीजें पढ़नी थी, एक है NIMZ, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। इसको न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में जो आई थी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो 16% पे हमारी 1991 से GDP थमी हुई है, स्टैग्नेंट है, तो इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है, रोजगार भी बढ़ेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया NIMZ का। अब NIMZ क्या होता है, देखो NIMZ एक तरीके का आप कह सकते हो पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप होता है, जहां पर इंडस्ट्रीज को जो भी जो चीज लगती है, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहाँ पर अच्छी सी रिवर की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि कचरा वो किया जाए, और कंप्लीट पावर होना चाहिए, मतलब जो भी है सब फैसिलिटीज रहेंगी। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनको तकलीफ ना हो, उसके लिए यहाँ पर रेसिडेंस हाउस रहेंगे, मालिकों के लिए अलग अलग घर रहेंगे, अब जो बच्चे रहेंगे तो उनके लिए अलग से स्कूल की फैसिलिटी रहेगी, उनके लिए अच्छे से घर बने रहेंगे, तो उसे NIMZ कहा जाता है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन होते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा कि भाई यहाँ पर जो लैंड एरिया है इसका मिनिमम मतलब 5000 हेक्टेयर होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसेशन नहीं दिए जाते हैं, लोग कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है तो आप समझ लो एक दिन में खुल के बैठ जाओ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, मतलब खटाखट एक दिन में आपको, अच्छा इंडस्ट्री खोलनी है, आप जाओगे मिनिस्ट्री के पास, ये फॉर्म देंगे, ये भरना 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 खत्म, एक बार में खत्म, ठीक है यहाँ पर। लेकिन कोई भी टैक्स कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ से डायरेक्टली आप प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में निकाल सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी निकाल सकते हो। अब वहीं इसका अपोजिट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं SEZ, ठीक है, SEZ। अगर आप दोनों कंपेयर करो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि NIMZ सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, और इसका मेन मकसद है भैया मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट लाना, और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट बढ़ाना इंडिया का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर SEZ को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी मिलेंगी और सर्विस इंडस्ट्री भी मिलेंगी, और यहाँ पर टैक्स के कंसेशन दिया जाता है, यहाँ पर टैक्स का कोई कंसेशन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो टैक्स कंसेशन, याद रखना। और इसका मेन मकसद यह है कि भैया आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमारे पास फॉरेक्स आएगा, ठीक है, फॉरेक्स आएगा तो हमारी जो भी ऑयल नीड्स है, ऑयल इंपोर्ट नीड्स है, वो सब फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद था। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, आप सब जानते हैं, बहुत पहले लॉन्च किया था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट इज टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ NIMZ, जो हमने NIMZ ना इसका एक्सटेंशन, और इसमें भी सेम वही चीजें हैं कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल GST इंट्रोड्यूस किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और भी जो चीजें होती हैं लाइक लॉजिस्टिक में हमारी रैंक बढ़ाई जा रही है, इनलैंड वाटर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस तरीके से गवर्नमेंट इसको टैकल किया, और इन शॉर्ट अगर आप देखें तो उस टाइम पे हमारे जो PSUs हैं काफी अच्छी हो गई है, ग्लोबल उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो और भी जो अगर फ्यूचर में रिफॉर्म्स आएंगे तो वो आप बजट से और बाकी जगहों से देख सकते हैं, ठीक है। और टिल दैट टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अब हमारा बचता है जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस इशू को ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैं थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर बचा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।